विनोद चौधरी फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आए हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 15 के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे। तो एक्सरसाइज 15 के अंदर 15.3 के जो मेन मेन क्वेश्चन है वो देखते हैं आज। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या में अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे जो अंतर दे रखा है वो परिधि का और त्रिज्या का है। जैसे ये मैंने टेबल बनाई हुई है, तो यहाँ पे ये जो 2πr है ये परिधि और ये त्रिज्या, तो इन दोनों का जो अंतर है, तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है 74, तो 88 और 14 का अंतर होता है 74 का। तो पेपर के अंदर आपको वो 44 और 7 का भी दे सकता है, 37 भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको अंतर दिया हुआ है और उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 616। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या का मान जो आप निकालेंगे वो इस रिलेशन से निकालेंगे, उसने कहा है परिधि और त्रिज्या में अंतर, अंतर यानी दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड रेडियस कितना दिया हुआ है, 74, और उसका एरिया फाइंड आउट करना आपको। तो इस सर्कल की आपके पास रेडियस नहीं है, तो आप उसको एज्यूम करोगे, माना वर्त की त्रिज्या, माना वर्त की त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या को आपने मान लिया आर। अब जो प्रश्नानुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार परिधि माइनस त्रिज्या, परिधि माइनस त्रिज्या, क्योंकि दोनों का अंतर दिया हुआ है। परिधि माइनस त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 74 दिया हुआ है। अब परिधि का सूत्र अगर त्रिज्या आर होती है तो 2πr माइनस त्रिज्या आर बराबर कितना है, 74। अब यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू है नहीं, पाई का मान आपको ध्यान है 22/7 होता है, तो इन दोनों में से आर कॉमन आता है, तो आर कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो 2π माइनस 1, क्योंकि आर था तो आर कॉमन आ चुका है, तो आर कॉमन लेने के बाद आर का आर में भाग एक बार गया। कॉमन लेने का मतलब इन दोनों में आर का भाग दे दिया गया, तो इसमें आर का भाग दोगे तो आर कट गया 2π बचा, माइनस इसमें आर का भाग दोगे तो एक बार गया, तो एक लिख दिया, बराबर कितना है, 74। अब इन दोनों की आपको वैल्यू मालूम है, तो ये आप एक भिन्नक बनेगा और उस भिन्नक का आपको सोल्यूशन करना है। तो आर गुणा में 2 गुणा में पाई का मान 22/7 माइनस 1 बराबर 74। अब ये जो एक फ्रैक्शन बन गई, इसका एलसीएम लेके हल करेंगे अपन, ये 22 × 44/7 माइनस 1 बराबर कितना है, 74। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हो आप, एलसीएम कितना आएगा, 7, तो 7 का 7 में भाग एक बार, तो ये 44 माइनस ये 1/1 है, तो 1 का भाग 7 बार, तो 7 × 7 बराबर कितना है, 74। तो आर गुणा में 44 में से 7 जाएगा तो 37/7 और बराबर कितना है, 74। अब ये आर के गुणा में है, आप इसको राइट साइड में पक्षांतरण करोगे तो ये इधर गुणा से गुणा में जाएगा, तो ये विपरीत यानी 37/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/37, तो आर बराबर आ जाएगा 74 × 7/37। 37 की टेबल से 74 कितनी बार कटता है, 2 बार, तो 7 × कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर। तो आर का मान 14 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये 15.1 का सिंपल क्वेश्चन बन गया है, तब आर का मान 14 है तो उस वर्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 616। अब आप वर्त का क्षेत्रफल का ये सूत्र निकालोगे, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7 × r कितना है, 14 × 14, 7 की टेबल से 2 बार कटेगा, 22 × 2 कितना होता है, 44 × 14 का गुणा करोगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको त्रिज्या, अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें आपको परिधि दे करके पूछ रहा था क्षेत्रफल, आपको त्रिज्या का मान दे करके क्षेत्रफल पूछ रहा था, लेकिन अब उसने परिधि और त्रिज्या का अंतर पे एक समीकरण बना दी और उस समीकरण से आपको उसको हल करना पड़ेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान से करिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, ऐसा रिलेशन 15.1 में क्वेश्चन था, उसमें था यहाँ पे वर्त की परिधि दिया हुआ था वहां पे, और यहाँ आगे वर्ग का परिमाप भी दिया हुआ था, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब जो ये क्षेत्रफलों का अनुपात है, ये पहले वर्त का नाम आया हुआ है, तो वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल चाहिएगा आपको। गिवन क्या है कि एक वर्त का जो परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ए देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो उनका जो आपको एरिया है उनका रेशियो फाइंड आउट करना है।
अब जो रिलेशन आपको दे रखा है इसमें आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे वर्क की त्रिज्या को भी मानना पड़ेगा और वर्क की भुजा को भी अपन मानेंगे। तो यहाँ पे वर्क की त्रिज्या को अपन आर मानते हैं, तो माना वर्क की त्रिज्या, माना वर्क की त्रिज्या आर, वर्क की त्रिज्या है आर, वर्क की त्रिज्या आर है, और वर्क की जो भुजा है, वर्क की भुजा को अपन क्या मान लेंगे, एक्स मान लिया। अब दोनों का जो परिमाप बराबर दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है कि वर्क का जो परिमाप है, वर्क का परिमाप बराबर किसके है, वर्ग के परिमाप के। तो इन दोनों का जो पेरीमीटर बराबर है, तो वर्क का परिमाप यानी परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर, वर्क का परिमाप होता है 4 × भुजा, 4 × में भुजा होता है। तो ये दोनों का अपन ने सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे आप r का मान x के पदों में या x का मान r के पदों में निकालो, तो उसके लिए जैसे आप r का मान निकालना चाहते हो, तो r का मान क्या आ जाएगा, 4x/2π आ जाएगा। तो r का मान निकालोगे तो ये पूरा पूरा इधर बटा में आएगा। अब 2 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x/π। तो अपन यहाँ पे अभी पाई का मान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आगे अपन अनुपात जब आप क्षेत्रफल का निकालोगे वहां पाई आएगा, वो इसको काट देगा। तो भी आर का मान है वो एक्स के पदों में आ गया, ये समीकरण नंबर 1 बना ली है। इस 2 से 4 है वो 2 बार कट गया, तो 2x/π हो गया। अब जो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो वर्क का क्षेत्रफल अनुपात है वर्क का क्षेत्रफल, तो वर्क का क्षेत्रफल बट्टा में वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर। अब आपने आर का मान एक्स के पदों में निकाला हुआ है, तो ये यहाँ पे आप इसका मान है रख दीजिए आर का, तो पाई की जगह तो पाई रखा। आर का मान क्या है, 2x/π है, तो ये 2x/π है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि आर का मान ये पूरा है और इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि आर पे यहाँ वर्क किया हुआ है, बटा में क्या है एक्स स्क्वायर। अब अंश में पाई गुणा में, तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, बटा में पाई का भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर, और इसके बटा में जो एक्स स्क्वायर है वो बटा में एक्स का स्क्वायर। तो ये अंश में ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इस 1π से इसकी घात कट गई, तो उत्तर कितना बच गया, 4/π। अब आप पाई का मान रख दीजिए, तो 4/ पाई का मान 22/7, ये बटा में है तो गुणा में जाएगा, तो 4 × 7/22, तो ये दोनों 2 की टेबल से, तो 2 और ये 11 बार, तो 7 × कितना हो गया, 14/11, यानी कितना अनुपात आ गया, 14/11 आ गया। किसका, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 14/11। मोस्ट क्वेश्चन है इस साल के लिए 3 नंबर के अंदर, आप अच्छी तरह से कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपको वर्क की त्रिज्या आर माननी पड़ेगी और वर्क की भुजा एक्स मान करके, फिर जो पहला रिलेशन दिया हुआ है उससे आर और एक्स में एक इक्वेशन बनेगी, उस आर या एक्स का मान आप दूसरा जो अनुपात ज्ञात करोगे क्षेत्रफल का, उसमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, जिससे आपको ये मान मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें थोड़ा सा और डायग्राम है, वो मैं आगे समझाने के बाद इसमें वो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं इतना ही समझाता हूँ, क्योंकि पूरा डायग्राम बनाने के बाद इसका जो स्टार्टिंग का डेरिवेशन है वो समझ में नहीं आएगा। तो इसमें एक अर्धवृत्त और बनाना है, जो BC को व्यास मान के अपने को खींचना है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला जो डायग्राम है, ये छायांकित पोर्शन नहीं है, छायांकित पोर्शन मैं आगे लाइनदार प्रदर्शित करूंगा, वो होगा छायांकित भाग। अभी इस चतुर्थांश में से ये जो मैंने छायांकित किया, ये क्या है, एक वृत्तखंड है, तो इस वृत्तखंड का अपने को यहाँ एरिया निकालते हैं, जो कि आप स्टार्टिंग में कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन को अपन पार्ट वाइज करेंगे, जिससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वृत्तखंड बन रहा है, तो आपने वृत्तखंड का फॉर्मूला 15.2 में पढ़ा हुआ है, उससे डायरेक्ट इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो ये चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 दी गई है, और जिसमें से ये वृत्तखंड बन रहा है, जो BMC इसका नाम है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपन पहले ज्ञात करते हैं, वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको ध्यान है, तो आकृति जो दे रखी है इसमें इस चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश की त्रिज्या
त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे जो कोण है चतुर्थांश का जो कोण है थीटा वो कितना है 90 डिग्री है, तो वर्तखंड, वर्तखंड का नाम क्या है यहाँ पे, ये वर्तखंड है तो इसका नाम क्या है बी एम पॉइंट है यहां सी, तो वर्तखंड बी एम सी का क्षेत्रफल इसका अपन नाम दे देते हैं, अदरवाइज वर्तखंड एक और बनेगा ऐसे तो वहां पर भी वो वर्तखंड भी सुन सकता है, इसलिए आप उसका नाम दीजिएगा भी कौन सा वर्तखंड है, तो बी एम सी जो ये बीच में मैंने संकेत किया है ब्लू डॉटेड से, तो ये वाला क्षेत्रफल वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो पाई का मान यहाँ पे 22/7 इंटू में आर का मान कितना है 14 इंटू में थीटा कितना है 90 डिग्री बटा में 360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, तो 14 इंटू में साइन थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 के टेबल से ये 4 बार कैंसिल हो गया, 7 से 14 हो गया 2 बार, और इस 2 से ये 4 2 बार, ये 2 से ये 22 हो गया 11 बार, तो 14 को 11 से गुणा करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 154 माइनस यहाँ पे साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा, तो ये तो हट गया यहाँ से, तो 2 के टेबल से ये 2 बार हो गया, 2 के टेबल से 14 है वो 7 बार, अब 14 का 7 से करोगे तो कितना आ गया 98 आ गया, अब 154 में से आप 98 घटाओगे तो कितना बच गया ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो ये तो आ गया अपने पास इस वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब अपने को इसने कहा आगे कि बीसी को व्यास मानकर, ये जो बीसी है ये इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा जाता है, तो ये अर्धवृत्त खींचा गया है, तो इस अर्धवृत्त बनने के बाद में छायांकित भाग कौन सा दिया गया है, इस वर्तखंड को हटाने के बाद ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो बीसी लाइन इससे लेकर के इधर पूरा क्या बन गया है अर्धवर्त बन गया है, तो आपको जो छायांकित भाग दिया है उसमें ये वर्तखंड शामिल है, तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल यहाँ पे पॉइंट दिया गया है एन, अर्धवर्त जो बी एन सी है इसके क्षेत्रफल में से इस वर्तखंड का क्षेत्रफल जो बी एम सी ये वर्तखंड है इसका क्षेत्रफल आपको क्या होगा घटाना पड़ेगा, तब आपके पास इस छायांकित भाग बी एन सी का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो आपको इसके लिए अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और अर्धवर्त का जो इसने कहा बीसी को व्यास मानकर, तो बीसी यहाँ पे व्यास है, तो बीसी क्या है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो आपको कर्ण का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए आधार भी 14 है और लंब भी 14 है, तो कर्ण का मान अपन ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है एबीसी, एबीसी में कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट होता है, तो कर्ण कौन सा है यहाँ पे बीसी बराबर आधार और दोनों ही 14 है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो बीसी का मान आ गया ये हो गया 198 प्लस 14 का स्क्वायर 198, तो 198 और 198 को जोड़ो मत, आप इसको 2 × 198 लिख दो ताकि आप 198 का वर्गमूल वापिस अंडर रूट के बाहर कितना निकाल दो 14 और अंडर रूट में कौन रह जाए 2, तो ये बीसी का मान कितना आ गया 14√2 सेंटीमीटर। आप ये ध्यान रखिए जब लंब और कर्ण एक जैसा हो, जैसे 5 5 हो, तो जो उसका कर्ण आएगा वो आ जाएगा 5√2, अगर दोनों 10 और 10 हो तो कर्ण आ जाएगा 10√2, दोनों 14 और 14 थे तो कर्ण आ गया 14√2, डायरेक्ट आप ट्रिक से याद रखिएगा, तो बीसी का मान आ गया 14√2। बीसी क्या है अर्धवर्त का व्यास है, तो व्यास से आप अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे, तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, तो अर्धवर्त, अर्धवर्त का व्यास, व्यास कौन सा है बीसी, बीसी का मान कितना है 14√2 सेंटीमीटर, तो अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या देखो कैपिटल आर आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो स्मॉल आर यहाँ लिख दिया, तो इसको किसी भी नोट कर दोगे कैपिटल आर से कितना हो गया 14√2 सेंटीमीटर, अब बटा में 2, तो ये व्यास है तो 2 का भाग दोगे कितना जाएगा 7√2 सेंटीमीटर, 14 से
दो को कैंसिल करोगे तो सात आ गया, अब सात अंडरूट दो हो गई है त्रिज्या। अब आप अर्धवर्त जो बी एन सी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो अर्धवर्त अर्धवर्त बी एन सी का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्त का होता है एक बटा दो गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो एक बटा दो गुणा पाई का मान 22 बटा सात गुणा में आर, आर कितना दिया गया है सात अंडरूट दो का स्क्वायर, तो एक बटा दो इंटू में 22 बटा में सात इंटू में सात का वर्ग हो गया 49, अंडरूट दो का हो गया दो। अब जो कैंसिल होगा सात की टेबल से 49 है वो सात बार हो गया, दो से दो कैंसिल हो गया, तो 22 का सात से करोगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ये आ गया है इस पूरे अर्धवर्त का जिसमें वर्तखंड प्लस ये छायांकित भाग शामिल है। अब आप इस पूरे अर्धवर्त में से ये अगर वर्तखंड जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इसको आप घटा दो तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल अपॉन माइनस एरिया ऑफ ए सेगमेंट। तो ये कौन सा है, यहाँ पे 154 आया है वो तो किसका आया है अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस उस वर्तखंड का कितना आया है 56 आया है, तो 154 में से 56 घटाओगे कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप सबसे पहले अर्धवर्त का जो ज्ञात करने से पहले आप वर्तखंड को निकाल लोगे, तो ये यहां तक तो सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया 15.2 का। अब उसके बाद आपको अर्धवर्त का ज्ञात करना है, तो अर्धवर्त का आपके पास व्यास या त्रिज्या नहीं है, तो जो व्यास बन रहा है वो कोण है समकोण त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण का मान निकालोगे, कर्ण का मान निकालने के बाद वो अर्धवर्त का व्यास बनेगा, उसे आप अर्धवर्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे आप उसको कैपिटल आर से डिनोट कर दीजिएगा, स्मॉल आर तो 14 है, तो कैपिटल आर 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है ये 7√2, तो ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 8 ये सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है 2019 में 18 में आया हुआ है, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है ABC निकाय व्यास दिया हुआ है और AC यानी AC का और BC का मान दिया हुआ है, तो छायांकित भाग, तो छायांकित भाग यहाँ पे कौन सा मान रहा है कि पूरे वर्त में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो ये जो त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये AB व्यास है जो कि केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो अर्धवर्त का कोण बन रहा है ये C, तो अर्धवर्त का कोण कौन सा होता है समकोण होता है, तो ये समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना है किसमें से वर्त के क्षेत्रफल में से, तो समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा धार गुणा ऊंचाई वो सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे, और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, इसमें अपने पास त्रिज्या नहीं है अभी, तो AB जो व्यास है वो आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तो व्यास ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज का कर्ण बन रहा है यहाँ पर AB, तो ये कर्ण ज्ञात करोगे, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए लंब और आधार दोनों दिए गए हैं, तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को प्रोसेस में लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद में ये समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों दिए गए हैं तो कर्ण ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज का नाम क्या है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC के अंदर जो AC का मान है वो कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर है, और BC का मान कितना है 8 सेंटीमीटर है, आप चाहो तो यहाँ पे कर्ण भी निकाल सकते हो यहीं पर, तो कर्ण कौन सा है यहाँ पर AB क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडरूट, तो AC का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडरूट, 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 64 का अंडरूट, ये हो गया 100 का अंडरूट, 100 का अंडरूट कितना होता है 10, तो ये आ गया अपने पास कर्ण का मान। अब AB आ गया है तो आप AB से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, तो अपन सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू में आधार गुणा में ऊंचाई, 1/2 गुणा में आधार और ऊंचाई आप दोनों में से किसी को ले सकते हो यहाँ पे, तो AC गुणा पर आप BC लिख दो,
तो 1/2 गुणा में 6 गुणा में 8, दोनों ही 2 से कटते हैं, तो 2 से 6 को काटा 3 बार, तो 8 से कितना हो गया, ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो AB क्या है, वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का जो व्यास है वो कौन है, AB है, तो AB का मान कितना निकाल चुके हैं अपन, 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, आर का मान व्यास का आधा होता है, तो 10/2 आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। पाई का मान 22/7 गुणा में आर कितना है, 5 का स्क्वेयर, तो 22, ये 5 का स्क्वेयर कटेगा नहीं 7 से, तो 22 इंटू ये 25 हो जाएगा, बटा में कितना है 7, तो इनका गुणा करेंगे तो 25 दूनी हो गया 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, बटा में कितना है 7, 550 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 का 7 बार हो गया 49, 7 7 49 कितने बचेंगे 6, तो हो जाएगा 60, 60 में 8 बार 7 8 56 कितना बचेगा 4, 4 में 40 हो गया, 7 5 35, 5 बचेगा वापिस 7 7 है 49, तो ये आ गया 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्त का क्षेत्रफल। अब अपने को चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वर्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये कितना है 78.57 माइनस का 24, फिर 24 78 में से कट जाएगा, तो 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया है वर्त के क्षेत्रफल में से। आपने समकोण त्रिभुज का घटाया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मोस्ट क्वेश्चन कई बार इसमें क्या चेंजेस करेगा कि ये भाग नहीं देगा आपको, ऊपर वाले पोर्शन में से सिर्फ ये बनाकर दे देगा इतना, यानी अर्धवर्त में से त्रिभुज घटाना होगा वहां पे, तो ऐसा क्वेश्चन पहले के बुकों में होता था। तो आपको अगर डायग्राम एग्जाम में चेंज होकर आए तो ये वाला पोर्शन नीचे वाला नहीं होगा, ये वाला पोर्शन, तो इस कंडीशन में छायांकित भाग कौन सा बनेगा, अर्धवर्त में से समकोण त्रिभुज, तो अर्धवर्त का लगाना होगा आपको यहाँ पे, बस ऊपर वाला जो सेम रहेगा पोर्शन, अर्धवर्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वो इसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो अर्धवर्त है इसकी त्रिज्या दी गई है 7, तो पूछा है इस अंतर्वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये जो 7 इसकी त्रिज्या दी गई है, ये इस अंतर्वर्त का क्या बन रहा है, देखो ये अर्धवर्त की त्रिज्या है और ये यहां तक भी अर्धवर्त की त्रिज्या है, तो इस वाले भाग और ये भाग दोनों बराबर है, तो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा 7, तो इस अंतर्वर्त का व्यास बन रहा है ये 7, तो 7 व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5, तो 3.5 से क्षेत्रफल का आंसर कितना आएगा, 15.1 में पहले क्वेश्चन किया था कितना आएगा, 38.5 इसका आंसर आएगा। तो पहले लिखोगे अर्धवर्त की त्रिज्या, ये दो नंबर में पूछ सकते हैं अर्धवर्त की त्रिज्या, अर्धवर्त की त्रिज्या देखो यहाँ पे दो वर्त आएंगे, तो इसको अपन कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये अर्धवर्त की त्रिज्या है, तो ये अंतर्वर्त का क्या बन रहा है व्यास, तो अंतर्वर्त का व्यास डायमीटर ऑफ इन सर्कल कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो इस अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, तो 7/2 लिख दीजिए, 3.5 लिखोगे तो फिर वापिस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो अंतर्वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा में सात से सात कट गया, सॉरी 7/2 है ये, तो 7 से 7 कट गया तो 22 आता है, और 2 से 22 से वो 11 बार कट गया, तो 11 7 77/2 तो आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन 11वां, इस क्वेश्चन में R1 R2 से दिया गया है ये, लेकिन पेपर में ये संख्या भी दे सकता है, R1 R2 की जगह 7 और 14 लिख सकता है, तो इसमें कह रहा है कि R1 व R2 त्रिज्या वाले दो वर्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त के बराबर है, यानी दो वर्त ऐसे हैं जिनकी त्रिज्याओं को R1 व R2 ले रहा है, तो ऐसे इसको डायग्राम थोड़ा समझते हैं, एक वर्त है ये, दूसरा वर्त है ये, इसकी त्रिज्या है R1, दूसरे की त्रिज्या है R2, और इन दोनों की जो परिधियों का योग बनेगा वो उस वर्त के बराबर है
जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो इन दोनों की जो परिधियों का योग है, ये थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि जगह थोड़ा कम था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटे बनाया। तो आर वन और आर टू जिनकी त्रिज्या थी, उनकी परिधियों का योग आर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। तो यहाँ पर एक अपन समीकरण प्राप्त करते हैं कि अगर आर वन त्रिज्या है, उसकी परिधि क्या होगी, पाई टू पाई आर होता है, तो ये हो गया टू पाई आर वन, इसकी परिधि क्या होगी, टू पाई आर टू हो गया। और जब आर उसकी त्रिज्या है तो परिधि हो गई टू पाई आर। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, दो पाई कॉमन आ गया, तो आर वन प्लस आर टू बचा, इधर क्या है दो पाई आर, दो पाई से दो पाई कट गया, तो आर बराबर क्या हो गया आर वन प्लस आर टू। तो ये रिलेशन आपको सिद्ध करवा सकते हैं, ये ऑप्शन में क्वेश्चन है कि सिद्ध करो ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। तो यहाँ पे उस वर्त की त्रिज्या क्या आएगी, उन दोनों वर्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर आएगी। इससे वो लैंग्वेज में भी कह सकता है कि सिद्ध करो उस वर्त की त्रिज्या उन दोनों वर्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी, या यहाँ पे सात और चौदह दे देगा तो उस वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी, सात और चौदह को आप जोड़ोगे तो 28 आएगी। तो उस कंडीशन में भी आप पाई का मान मत रखना, ये दो पाई कॉमन लेना, इधर से भी कॉमन लेना, ताकि दो पाई से दो पाई कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से क्वेश्चन अपने 15.3 एक्सरसाइज थे, उसके सारे कंप्लीट कर लिए जो भी मेन मेन क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर के बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉर्ट आउट कराऊंगा आपकी प्रॉब्लम। अब एग्जाम है वो आज 2 तारीख हो गई है, तो एग्जाम के आपके पास ओनली 27 डेज है, क्योंकि 30 तारीख को तो एग्जाम ही आपके, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए डेली इन सभी क्वेश्चनों का अच्छी तरह से रिविजन कीजिए और आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाइए। धन्यवाद।